ओडिशा ट्रेन हादसा समझने के लिए उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि लूप लाइन और मेन लाइन क्या होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लूप लाइन है, जो मेन लाइन है आपका सामने से जो चला गया है वो मेन लाइन है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये सामने वाला जो है ये मेन लाइन हो गया, और ट्रेन यहाँ पर ये पॉइंट से है, पॉइंट से जब ये साइड से निकलेगा तो ये हो गया लूप लाइन। तो यहाँ जो ट्रेन जो एक्सीडेंट हुआ है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो एक्सीडेंट किया है दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये है कि लूप लाइन में पहले से एक मालगाड़ी यहाँ पर थी, मालगाड़ी यहाँ पर पहले से खड़ी थी, और कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। इधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, इसको कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था कि ये इसको जाना था मेन लाइन से, कोरोमंडल एक्सप्रेस को जाना था मेन लाइन से, थ्रू पास था, लेकिन उसको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था। और ड्राइवर का इसमें कोई गलती नहीं है, आपको बता दें कि ड्राइवर तो सिग्नल देख के चलाता है। यहाँ सिग्नल का मेन फॉल्ट निकल कर आ रहा है दोस्तों, या तो मानवीय भूल है या तो टेक्निकल फॉल्ट है। और जैसा जांच रिपोर्ट में पता चला है कि यह टेक्निकल फॉल्ट है, तो आपको बता दें कि यह ग्रीन सिग्नल था और कोरोमंडल एक्सप्रेस को जाना था मेन लाइन से, सीधे निकलना था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ये लूप लाइन में मुड़ गई दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट इसका क्लियर नहीं था। अब ये तो जांच का विषय है कि पॉइंट क्यों नहीं क्लियर हुआ और ये ग्रीन सिग्नल क्यों लगा रह गया। तो ग्रीन सिग्नल के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस अपना फुल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर से निकल रही थी, और उसको निकलना था मेन लाइन से, लेकिन वो घुस गई है लूप लाइन में। और यहाँ पर पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी, और मालगाड़ी के पीछे जाके टकरा गई सीधे जाके कोरोमंडल एक्सप्रेस, और कोरोमंडल एक्सप्रेस का करीब 15-16 डब्बा डिरेल हो गया, जिसके कारण करीब 288 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 1000 से ज़्यादा यात्रियों को हॉस्पिटलाइज किया गया है दोस्तों, गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जो कम गंभीर रूप से घायल उनको 50,000 का घोषणा किए हैं, जबकि जो ज़्यादा घायल उनको 2,00,000 का घोषणा किया है। जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10,00,000 मृतक परिवारों को देने की घोषणा की है, लेकिन ये तो बहुत कुछ नहीं है, राशि है दोस्तों। आपको बता दें, जीवन के सामने पैसा कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर तो घटना यही हुआ है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को जाना था मेन लाइन से इसको जाना था, और ये चला गया लूप लाइन में दोस्तों, जिसके कारण ये घटना हुआ है, और ग्रीन सिग्नल था जिसके कारण ये गया गाड़ी। आपको बता दें, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये इसके बाद आपको देखेंगे और बढ़िया से समझाएंगे हुआ क्या है। बहानागा जो रेलवे स्टेशन है उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर 4 लाइन था। जैसा कि देख रहे हैं, बहानागा रेलवे स्टेशन का ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको, ये 2 मेन लाइन है, 2 और 3, जैसा कि देख रहे हैं ये 2 और 3 है, ये मेन लाइन हो गया, और एक ये मेन लाइन हो गया आपका, ये दो मेन लाइन है दोस्तों। तो दो मेन लाइन है और 2 लूप लाइन है, देख रहे हैं, एक 2 का एक लूप लाइन है, जैसा कि देख पा रहे हैं इधर, इसका एक लूप लाइन ये हो गया, और दूसरा इस जो मेन लाइन है इसका लूप लाइन ये हो गया। तो इस तरह से बहानागा रेलवे स्टेशन पर टोटल 4 लाइन है, और ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है दोस्तों, उसको इस लाइन से जाना था, मेन लाइन से गुजरना था, ग्रीन सिग्नल किया हुआ था, और जो लूप लाइन है दोस्तों, इस लूप लाइन पर पहले से एक मालगाड़ी इस पर खड़ी थी, और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिला, इसको होम सिग्नल से ग्रीन सिग्नल मिला। यहाँ पर पॉइंट्स किस तरह से सेटिंग था ये कहना मुश्किल है, तो जांच आने के बाद पता चलेगा। और प्रीवियस जो जांच आया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट आया, उसमें बताया गया है कि ये सिग्नल फॉल्ट के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल था और सिग्नल को फिर से वापस ले ली गई, इसी बीच में गाड़ी वहाँ से निकल गई थ्रू पास के लिए। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से गाड़ी का जो पॉइंट है इससे लूप लाइन से मिला रह गया। तो क्या हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे ये लूप लाइन होते हुए निकल गई लूप लाइन में, और यहाँ पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, जिसके कारण ये टक्कर हो गया। दूसरी बात क्या हुआ, दूसरा घटना इसी के साथ हुआ कि ये तो अपलाइन की बात कर रहे हैं हम, ये हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, शालीमार से निकली थी और चेन्नई की ओर जा रही थी। तो इसके बाद दूसरा क्या घटना घटित होता है, इसी समय से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही होती है, और वो उसको मेन लाइन से आ रही होती है,
मेन लाइन से ये यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही होती है डाउन में, और हुआ क्या कि ये जब मालगाड़ी से टकराई दोस्तों, मालगाड़ी से यहाँ पर टक्कर हुआ, इसी लूप लाइन में टक्कर हुआ मालगाड़ी से, पूरा कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी का टक्कर हुआ, इतना बड़ा रेल हादसा हुआ दोस्तों। इसका जो कुछ बोगी पार्ट है वो सीधे जाके इस पटरी पर आ गया दोस्तों, इस पटरी पर आ गया और यहाँ से गुजर रही थी यशवंतपुर हावड़ा उसी समय में, करीब करीब 6:55 की बात है। और अचानक यहाँ पर जो है, जो इसका जो बोगी पार्ट है कोरोमंडल एक्सप्रेस का मालगाड़ी का, वो आ गया इस मेन लाइन पे, और इसका भी 2-3 बोगी डीरेल हो गया दोस्तों। यानी इस तरह से कह सकते हैं ये सदी का सबसे बड़ा त्रासदी है कि एक साथ 3 ट्रेन एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए देखने के लिए और अस्पताल भी गए देखने के लिए। तो ये मेन रीज़न दिख रहा है कि किस तरह से ये घटना हुआ है। तो ये बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में इसी तरह से ये घटना घटित हुआ दोस्तों। मेन हमारा जो हुआ है, मालगाड़ी पहले से खड़ी थी दोस्तों, मालगाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और ये इसको जाना था सीधा मेन लाइन में, लेकिन ये लूप लाइन में घुसते हुए सीधे जाके मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके कारण ये हुआ है। अब पूरा जांच किया जाएगा, हाई लेवल का मीटिंग नरेंद्र मोदी ने बैठा है, उसके बाद हाई लेवल का इसका जांच किया जाएगा, यह तह तक जाया जाएगा और जो इसके दोषी पाए जाएंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने खुद इसके बारे में बात किया है दोस्तों। तो ये पॉइंट पर ही क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब हरा सिग्नल दिया गया फिर वापस क्यों ले लिया गया, और ये पॉइंट्स क्यों लूप लाइन से सटा रह गया, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है दोस्तों, इसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये पहला सिनेरियो यही है कि यही घटना हुआ है।